का हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट भागलपुर पर। प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं और उनकी राजधानी है। तो उन वंशों में क्रम में हम लोग आज देखेंगे प्राचीन इतिहास के बहुत सारे प्रमुख वंश जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जी हाँ, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो आज का टॉपिक ये है, प्राचीन इतिहास के वे वंश या उन वंशों का क्रम जिनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। जी हाँ, टॉपिक हमारा ये है, आज हम उन वंशों के बारे में जानेंगे। ये बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, नमो और शुक्र। जी हाँ, नमो और शुक्र गुप्त पुत्र हैं। ये नमो का मतलब नरेंद्र मोदी से नहीं है, ध्यान रखें। तो नमो और शुक्र गुप्त पुत्र हैं। क्या कहा मैंने, नमो और शुक्र गुप्त पुत्र हैं। तो ये हमारा ट्रिक है, जिनमें नौ से नंदवंश, मो से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क्रॉ का कॉल लिया है हमने कर्म वंश, गुप्त से गुप्त वंश, और इन सभी वंशों की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र है। तो हमारा टॉपिक यह है कि प्राचीन इतिहास के प्रमुख वंश जिनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, और उनका क्रम बिल्कुल आसान सा है, नमो और शुक्र। जी हाँ, बिल्कुल एकदम याद कर लें, नमो और शुक्र गुप्त पुत्र है नौ से नंद वंश। जब प्राचीन भारत में हमारे यहाँ सबसे पहले साम्राज्यवाद का उदय हुआ, तो सबसे पहले साम्राज्यवाद आया मगध में। जी हाँ, कहाँ आया, मगध में। और यही जो सबसे पहला वंश आया वो था हर्यक वंश। अगर ऐसे इतिहास की बात की जाए तो सुना होगा आपने दस राज्य युद्ध। जी हाँ, दस राज्य युद्ध, जिनमें एक और दस राजा और एक और राजा सुदास थे। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम साम्राज्यवाद का उदय वहां हुआ जहां सुदास अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण करना चाहता था, और उसने उन दस राजाओं से कहा कि ऐसा किया जाए, हमारे गुरु विश्वामित्र हैं, उन्हें बदल लिया जाए, प्रारंभिक गुरु से उनका स्थान बदल दिया जाए। और ये बातें तय थी कि इन बातों पर विवाद होना बिल्कुल लाजमी है, इन पर विवाद होना था, और अनुमान वही हुआ, विवाद हुआ, और वही सबसे पहले साम्राज्यवाद का उदय हुआ। तो प्राचीन भारत का इतिहास है, हरेक वंश के बारे में मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, कर चुका हूं मैं, उसे आप देख सकते हैं। तो नौ से कौन सा वंश हुआ, नंद वंश। बहुत नाम आता है धनानंद का। जी हाँ, नाम क्या था मैंने, धनानंद का। दूसरा है मोशे मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना होगा आपने, इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक भी है। लेकिन इस वंश में सबसे ज्यादा प्रमुख शासक जो बना वो बना अशोक। जी हाँ, कौन बना, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। शुंग से शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है शुंग वंश का। कौशिक कल्प, सुशर्मा कल्प का नाम आता है इस कल्प वंश में। गुप्त से गुप्त वंश, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त आते हैं। और इन सभी वंशों की राजधानी कहां है, पाटलिपुत्र। तो बिल्कुल ट्रिक है, नमो और शुक्र गुप्त पुत्र है, नमो। जी हाँ, नमो। तो नौ से हुआ नंदवंश, नौ से नंदवंश, मो से मौर्य वंश, और का कोई प्रयोग नहीं है। शुक्र में सु से शुंग वंश, कौ से कर्म वंश, और पांचवा गुप्त वंश। इसका मैंने टाइम नहीं लिखा क्योंकि इन वंशों के समकालीन है, इसलिए मैंने इनका इसका क्रम में नाम नहीं लिखा। तो ये सभी प्रमुख वंश हुए, ये इनका क्रम हुआ, और सबों की राजधानी कहा थी, पाटलिपुत्र। तो इसी तरह नए वीडियो के साथ मिलता हूं, धन्यवाद।